إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم वमई युत व रसूलहु फ़क़त फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीम मोहतरम हाजरीन हर तरह की तारीफ़ व तोसीफ़ उस रबालमीन के लिए लायक और ज़ेबा जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है रज़ है और दरुदोसलम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खसूस आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्ला वसलम पर मोहतरम हाजरीन रमज़ान का महीना चल रहा है पहला अशरा गुज़र चुका है हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं बड़ी तेज़ी के साथ रमज़ान गुज़र रहा है अल्लाह तबार को ताल का बेानतहा और एहसान है कि हमारी ज़िंदगी में फिर एक बार रमज़ान भेजा और हमें नेकियां करने का मौका इनायत फरमाया हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को इस माह मुबारक से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक इनायत फरमाए ये महीना नेकियों का महीना है माह रमज़ान को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है वैसे तो मुसलमान को हमेशा नेकियों में दिलचस्पी रखनी चाहिए बल्कि नेकियां करना नहीं हमारी शरीयत ने हुक्म दिया है कि हम नेकी करने में एक दूसरे से मुक़ाबला करें एक दूसरे से कंपटीशन करें कि नेकी में हमारे से आगे कोई ना निकलने पाए और अल्लाह तबारक तआला ने इसको लायक तहसीन अमल करार दिया आदमी नेकियों में सबकत कर फस्ता बिकैरा अल्लाह ने फरमाया नेकी करने में एक दूसरे पर सबकत करो कंपटीशन करो कोई आदमी नेकी करता है तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो और सहाबे कराम भी नेकियों में कंपटीशन किया करते थे एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे और जब तक ये जज्बा नहीं पैदा होगा कि हम फला से आगे निकल जाएँ तब तक नेकियों नेकियां करने में लज्जत नहीं मिलेगी हम सब नेकियां करते हैं लेकिन हमें लज्जत नहीं मिलती क्यों इसलिए कि नेकी करना है करते हैं ऐसा नहीं नेकी में एक दूसरे से आगे निकलना नेकी में एक दूसरे से सबक़त करना और कोशिश करना हमारे दौर के हमारे लोगों के हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई हमसे आगे ना निकलने पाए ये इस तरह से इस जज्बे के साथ जब निकी करेंगे तो नी करने की लज्जत अलग महसूस होगी तो ये माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है वो शख्स बहुत बदनसीब है हिलाक हो गया जिसने रमज़ान का मुकद्दस महीना तो पाया लेकिन अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका मैं इसी हदीस से अपने गुफ्तगु की इब्तदा करता हूँ हैतः काब बिन उजरा और तैन कहते हैं मुस्दरक हाकिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी से असलम मेबर पर चढ़ रहे थे पहले मम्बर पर दूसरे पहले जीने पर दूसरे जीने पर, दूसरे जीने पर तीसरे जीने पर आपने कदम रखते हुए आमीन 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 कहा आपका ये पहले से मामूल नहीं था साहब कराम ने देखा आप सल्ला वम खुतबे से फ़ारिग हुए मिंबर से नीचे उतरे तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आज हमने आपको एक ऐसा अमल करते हुए देखा कि इससे पहले आपने कभी नहीं किया था कहा क्या देखा कहा आप जब मिंबर पर चढ़ रहे थे तो तीनों ज़ीनों पर कदम रखते हुए आमीन 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 कह रहे थे वो तीनों के बारे में गुफ्तु नहीं करूँगा एक जो मेरे मौजू से मुतल है आप सल्म ने फरमाया कि मैंने जब जीने पर कदम रखा तो हजरत जबरील आए और कहा कि वो शख्स हिलाक हो गया तबाह वर्बाद हो गया जिसने रमज़ान का मुकद्दस महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका तो मैंने कहा आमीन तो इस तरीके से रमज़ान का मुकद्दस महीना पाना ये कमाल नहीं है अपने गुनाहों की बख्शिश करा लेना ये कमाल है। हम रमज़ान के महीने में गुज़र रहे हैं हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं कि नहीं हम नेकियों में सबकत कर रहे हैं कि नहीं ये हमको देखने की ज़रूरत है इसी तरह माह रमज़ान के तकद्दस के सिलसिले में सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है अबू हर और रज़ी हदीस के रावी हैं हमारे नबी ने फ़रमाया रमज़ान फ़तहत अबुआबा जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक रवायत में है फतहत अबूआबुलजन्नः जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं यानि रोज़ियों में बरक़त होती है आप देखेंगे मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम में भी रमज़ान का इंतज़ार रहता है और रमज़ान के मुबारक महीने में वो बहुत सारी कमाइयाँ कर लेते तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं यानी रोज़ियों की फरावानी हो जाती अमीर गरीब छोटा बड़ा मुसलमान गैर मुस्लिम सब लोग इस महीने से फ़ायदा उठाते हैं रोजियों के सिलसिले में और दूसरी रवायत में है अबुआबुल जन्ना जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं यानी रमज़ान के तकदस में रमज़ान की बरकत का ख्याल करते हुए वह गुलत अबूआुलजहन्नम जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं वसुलसलत शयातीन और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है ताकि रमज़ान के इस मुक़दस महीने में अल्लाह के बंदों को गुमराह न करें तो ये है माह रमज़ान का तकदस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया ये मुकद्दस महीना इसलिए आया है ताकि हम रोज़ा रखें इस महीने का सबसे अहम काम क्या है रोज़ा रखना अल्लाह तबारक तआला तो ने फरमाया फमन शहीद अमिन कुमशहरफल यासुम हो वमन का न मरीजन अला सफरन तो फ़ैदुमिन ओरसोरे बकर आय था आयत नंबर एक सौ पचासी जिस शख्स को ये महीना मिल गया फमन शहीद अमीन कुम्शा हरा जिस शख्स को ये महीना मिला तुम में से उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे और अगर कोई बीमार है या सफ़र पर है तो बाद में भी रोज़ा रखेगा यानी बीमारी की हालत में रोज़ा छूट गया तो बाद में रखना होगा सफ़र की वजह से रोज़ा छूट गया तो बाद में रखना होगा बहुत सारे लोग बीमारी का बहाना करके रोज़ा छोड़ देते हैं बाद में रखते नहीं रोज़ा माफ़ नहीं है रोज़ा कज़ा है रोज़ा कज़ा है जो आपको रखना ही है बीमार और मुसाफिर को रुख्सत है बाद में रोज़ा रख सकता है छोड़ सकता है लेकिन ऐसी बीमारी जिसमें बीमार होते हुए भी इंसान रोज़ा रख लेता है तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे छोटी मोटी बीमारियां सबको हैं हमको भी हैं, भी हैं आपको भी हैं आपको भी हैं अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रखे अल्लाह सबकी छोटी बड़ी बीमारियों को दूर फरमाए हमारे जो भाई बहन हॉस्पिटल में हैं परेशान हैं अल्लाह तबारक ताली उन तमाम को शिफाए का मिला आजिलाइमा नसीब फरमाए तो जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं उनके लिए तो रोजा बाद में रखेंगे और जो बीमार हैं रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं दायमी मरीज़ हैं वो एक मिसकीन को फदिए में खाना खिलाएंगे लेकिन जो मामूली बीमारियां हैं उसमें रोज़ा रखना है इसी तरीके से सफ़र में सफ़र जो है अगर मशक्क़त वाला सफ़र है आदमी रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसको बाद में रखना पड़ेगा लेकिन सफ़र मामूली है तो रोज़ा रख लेना चाहिए इसलिए कि माफ़ नहीं है फ़ैदतमिनिया मिन अय्यामिन उखर बाद में रखना पड़ेगा बाद में अकेले रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है रमज़ान के महीने में सब लोग रोज़ा रखते हैं घर में सहरियाँ पकती हैं इफ्तारियों का इंतज़ाम रहता है मस्जिदों में भी सब रोजे से रहते हैं एहसास नहीं होता है क्योंकि सारे के सारे लोग रोजा रहते हैं तो सबके साथ रोजा रहना ये बेहतर है क्योंकि बाद में अकेले रोज़ा रखना पूरा करना बहुत मुश्किल होगा इसलिए छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बना करके रोज़ाना छोड़ें बस ख़वातीन हैं जो मुर्ज़ियाँ हैं हामिला हैं मुर्ज़ियाँ और हामिला यानी वो औरत जो प्रेग्नेंट है या वो औरत जो दूध पिलाती है वो बीमारी के हुक्म में आती है अगर वो इस पोजीशन में पहुंच गई है कि रोज़ा नहीं रख सकती है दूध पिलाने की वजह से उसकी सेहत बिगड़ सकती है खराब हो सकती है या हमल की वजह से रोजा रखने की वजह से उसकी सेहत खराब हो सकती है तो उसको बाद में रखना पड़ेगा लेकिन वो अयाम कैसे होते हैं वो ख़वातीन समझ सकती हैं तो इन अयाम का बहाना बना करके मुस्तकिल रोज़ा छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि हमल के मुद्दत में अगर रोज़ा छोड़ देंगी तो फिर दो साल दूध पिलाना है तो तीन साल मुसलसल रोज़ा छोड़ देंगी तो रखेंगे कब जबकि माफ नहीं है सिर्फ कज़ा है तो इसलिए हालत हमल में भी और दूध पिलाने की मुद्दत में भी अगर ख़वातीन आसानी के साथ रोज़ा रख सकती हैं तो उनको रख लेना बेहतर है वरना बाद में रखना होगा इसी तरीके से रोज़े की अहमियत आप इस हदीस से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई औरत अगर कोई औरत है की हालत में है और उसकी नमाज़ छूट गई है इसकी हालत में नमाज नहीं पढ़ेगी तो नमाज की कज़ा नहीं है लेकिन अगर औरत की कीस की हालत में रोज़े छूट गए तो वो रोज़ा बाद में कज़ा करना पड़ेगा तो इससे रोज़े की अहमियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं तो इस तरीके से रोज़ा रखना फ़र्ज़ है अल्लाह तबार को तौल ने सूर बकर सौ तिरासी में फ़रमाया, या फरमायादी आमुतिबाई कुमस्याम कमा कुतबादी ऐ वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ रोज़ा फ़र्ज क्यों हुआ तकवे के लिए ये हम नए लोग नहीं हैं रोज़ा रखते हैं पिछली कौमों में भी रोज़े का अहतमाम करते थे सहाबे क्राम ने रोज़े की हालत में जंग की है सहाबे कराम ने रोज़े की हालत में मशक्क़तों को बर्दाश्त किया है आज बेंगलोर में थोड़ी सी गर्मी पड़ी लोग बेचैन हो गए बहुत सारे लोग रोज़ा छोड़ने लगे नहीं मेरे भाइयों उन मुल्कों के बारे में सोचिए जहाँ अट्ठारह अट्ठारह घंटे बीस बीस घंटे का रोज़ा होता उन मुल्कों के बारे में सोचिए जहाँ गर्मी की गर्मी की हालत ये होती है ए, 48 47 डिग्री सोचिए कितनी गर्मी रहती है लेकिन वो लोग रोज़ा रखते हैं सहाबे कराम ने रोजे की हालत में चिलचिलाती हुई धूप में ना सिर्फ रोज़ा रखा बल्कि अल्लाह के रास्ते में जंग बेची तो रोज़े हरगिज़ न छोड़ें जब तक कि कोई शराी उज्र ना हो और मजबूरी ना हो अल्लाह के नबी ससरम की वो हदीस बता के फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ आपने देखा कि कुछ लोग हैं जिनको उल्टा लटका दिया गया है जिस तरीके से बकरी को जबह करने के बाद खाल उतारने के लिए उल्टा लटका दिया जाता है ऐसे कुछ लोगों को इंसानों को उल्टा लटका दिया गया है उनके जबड़े चीर दिए गए हैं खून बह रहा है चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं हमारे नबी ने हरत जबरील से पूछा जबरील बताओ ये कौन लोग हैं कहा है अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोरी करते थे। बहुत सारे मुसलमान रोज़ा नहीं रखते हैं बहुत सारे मुसलमान रोज़ों का अहतमाम नहीं करते हैं औरतें भी मर्द भी बच्चे भी जवान भी कई लोगों को देखा गया है हमारे इन गुनहगार आंखों ने देखा है रमजान के महीने में खाते हैं पीते हैं घूमते हैं सर पे टोपी है जुब्बा है दाढ़ी है लोग समझते हैं मुसलमान हैं लेकिन रमजान के महीने में खाते पीते हुए घूम कैसा मुसलमान ये हमसे ज्यादा आप देखते होंगे बाजारों में जाइए कभी देखिए लोगों की हालत क्या है लोग छुप करके खाते हैं आप इंसानों से छुप सकते हैं अल्लाह से नहीं छुप सकते हैं। वो अल्लाह जो अलिम व मिजात है जो सीने की धड़कनों को भी जानता है रात के अंधेरे में दिन के उजाले में खलबत में जलबत में जो कुछ भी अंजाम दिया जाता है सब अल्लाह के इल्म में है इसलिए कभी भी जब तक शरा उज़्र ना हो मजबूरी ना हो रोज़ा हरगज़ ना छोड़ें ये माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक तला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है मशहूर हदीस है मनसाम रमजान लहू मा लहुमा मिन भी जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है व ईमानसाबन हालत ईमान में सवाब की नीयत से गुफ़िर लहुमा मिन भी तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं जहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बात कहें इस तरह के जुमला कहें कि पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं वहाँ से मुराद सगीरा गुनाह हैं कबीरा गुनाह में नहीं माफ होते हैं आपने किसी की जमीन हथिया ली है रोजा रखने से माफ नहीं होगा आपने किसी का हक दबा लिया है रोजा रखने से माफ नहीं होगा उसकी जमीन उसको वापस कीजिए आपने किसी के ऊपर जुल्म किया है आप उससे माफी मांगिए कबीरा गुनाह बगैर तोबा के माफ नहीं होते हैं जहाँ अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही है गुफिरा लहू मा लहुमा मिन भी यहाँ से मुराद सगीरा गुनाह हैं छोटे छोटे गुनाह हैं जो इंसान लाशोरी में बेषोरी में कर देता है अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ कर देते हैं इसी तरीके से रमज़ान में नकियाँ कमाने का एक तरीक़ा यह है हम लैल करते हैं लैल क्या है रमज़ान के महीने में हम उसको तरावी कहते हैं दूसरे दिनों में हम उसको तहज्जुद कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और गैर रमज़ान कभी ग्यारह रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारह रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे जिसमें आठ रकात आठ रकात तहज्जुद और तीन रकात वित्र रमज़ान शुरू होता है तो लोगों में बहस शुरू हो जाती है आठ रकात तरावी है कि बीस रकात तरावी है सुन लें सुन्नत रकात जो है तरावी आठ रकात ही है आठ रकात ही है बहुत सारे लोग पहले बहाना बनाते थे मक्का में बीस रकात हो रही है मदीना में बीस रकात हो रही है आप ये बात कान खोल कर सुन लें मक्का और मदीना हमारे लिए दलील नहीं है जो मक्का में होता है वो हम भी करेंगे ऐसा नहीं है जो मक्का में नहीं होता है हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है अगर मक्का में कोई गलत काम हो रहा है तो हम भी करेंगे ऐसा नहीं है अगर मक्का में कोई नेकी छूट रही है नहीं कर रहे हैं तो हम भी छोड़ देंगे ऐसा नहीं है मक्का मदीना हमारे लिए दलील नहीं है हमारे लिए मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम की सुन्नत दलील है हमारे लिए कुरान का हुक्म दलील है और मेरे भाइयों अब तो माशा अल्लाह तबारक तहम करम करे और अल्लाह तबारक वाली उनको नेक तोफ़ी के फरमाए माशा अब तो हर मैन में भी आठ रकात ग्यारह रकात हो रही है तो इस तरीके से ये बदलते रहते हैं उनके अपने मामिल हैं उनके अपने मसाइल हैं हमें उनके मसाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे मसाइल ख़ुद इतना ज़्यादा है हम दूसरे मसाइल को सोच कर दूसरों के मसाइल को सोच करके के अपनी अप, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए आज बड़ा मसला है सऊदी में कुछ हो गया तो यहाँ ये हिंदुस्तान में बैठ करके इसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है यहाँ मुल्क में पाबंदियों पर पाबंदियाँ लगती जा रही हैं मसाइल पर मसाइल खड़े किए जा रहे हैं लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं है सऊदी में कुछ होता है तो इसको फ़ौर ख़बर हो जाती है अरे हमको क्या लेना देना है सऊदी में क्या हो रहा है कैसा हमको क्या जरूरत है हमें ज़रूरत है अपने मुल्क को देखने की और कुछ तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सऊदी को बदनाम करने के लिए अगर मामूली शोषा भी मिल गया तो उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहते क्यों इसलिए कि सऊदी को बदनाम करेंगे तो हलेीसों को तकलीफ होगी ये है असल मसला मेरे भाइयों हमसे क्या लेना देना है वो क्या करते हैं हमसे क्या लेना देना? वो जो करेंगे वो खुद जवाब देंगे हम जो करेंगे हमको जवाब देना है तो बता ये रहा था कि तरावीह जो है आठ रकात सुन्नत है तीन रकात वित्र यानी ग्यारह रकात अल्लाह के नबी रमजान गैर रमज़ान कभी भी ग्यारह रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा अलहमद नबी के ज़माने से लेकर के आज तक इस सुन्नत पर अमल हो रहा है कुछ लोग बीस रकात पढ़ते हैं उनका अपना मामला है हम उनको यही कहेंगे कि विदातों को छोड़ करके सुन्नतों की तरफ आएँ और और वो जो बीस रकात पढ़ते हैं आप कभी जाके उनके हाफिज़ के पीछे खड़े हैं या आलमून के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है उनके यहाँ क्या है फटाफट 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 फटा फट। कुरान खत्म करना कुरान खत्म करना असल नहीं है असल असल जो है उस कैफियत को समझना है कुरानी मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ना है इसीलिए कुरान खत्म करना एक मसला है इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया दस दिन में तराबी कहते हैं भाई दस दिन में यहाँ यहाँ दस दिन की तरावी होगी यहां पांच दिन की तरावी होगी नबी ने क्या फरमाया मन कॉमा रमजान ईमानफर जो रमजान के महीने में क्याम करता है पूरे महीने क्याम करना है और इसी तरीके से कुरान खत्म करने का जब मसला हुआ तो बाज़ लोगों ने दस दिन पांच दिन को छोड़ो शबीना मनाना शुरू कर दिया एक ही रात में खत्म कर देते हैं जबकि नबी ने फरमाया कि तीन दिन से पहले अगर कोई कुरान को खत्म कर दिया तो उसने कुरान को समझा नहीं कैसी कैसी विदातें कैसे कैसे मामिलत हैं मेरे भाइयों इसी तरीके से तरावी के मामले में एक और मसला हमको समझना है बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिस मस्जिद में आप तरावी पढ़ते हैं उसी में पढ़ना है यहाँ भी वही मसला है कि जिस हाफिज के पीछे आपने कुरान सुना है पूरा कुरान उसी के पीछे सुनना है इसलिए हर मुसीबत को बर्दाश्त करके आदमी उसी मस्जिद में पहुँचता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आज आपने यहाँ पढ़ा कल वहाँ पढ़ लिया जहाँ मौका मिले वहाँ पढ़ लें तरावी में कुरान सुन करके ख़त्म करना ऐसी कोई बात नहीं है तो ये बिदातें हैं ये सोच है ये शुभहात हैं हमारे लोगों के दरमियान जो रिवाज पा गए हैं ऐसा कोई मसला नहीं ये हमने आपने बना लिया है तो आप कहीं भी तरावी पढ़ सकते हैं कहीं किसी भी हाफिज के पीछे कुरान सुन सकते हैं आप कभी यहाँ पढ़ लें कभी वहाँ पढ़ लें जहाँ मौका मिले पढ़ लें एक ही हाफ़ के पीछे कुरान ख़त्म करना ऐसी कोई बात नहीं है तो हमारे नबी ने फरमाया मन कॉम रमज़ान ईमान अनवतिस बन गुफ़िर मातक नमा बनज़म भी जो रमज़ान के महीने में क्याम करता है ईमान की हालत में सवाब की नीयत से अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है सही वालीस मुस्लिम की हदीस है और रमज़ान के महीने में और जो हम ने करते हैं सदका व खैरात करना हमेशा सदक़ा खैरात करना चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा सदक़ा खैरात करते हैं क्यों इसलिए कि रमज़ान में सवाब ज़्यादा मिलता है पूरे मुल्क से मदारिस के अजा चले आते हैं आपके पास ये इस जो आपके पास आते हैं ये वलमा आपके पास आते हैं ये मामूली लोग नहीं हैं बहुत सारे लोग उन वलमा को जो चंदे के लिए आते हैं बड़ी हिकारत की निगाह से अल्लाह के वास्ते तोबा करो तोबा करो अल्लाह के वास्ते ये वलमा जो आपके पास आए हैं ना ये वलमा ये मामूली नहीं हैं इनके लिए सिर्फ यही बात काफ़ी है कि आलिम हैं ये नाइब रसूल हैं यांबिया के वारिस हैं उन वलमा में बहुत सारे वलमा हैं जो मुहद्द हैं मुफसर हैं बुखारी का दर्श देते हैं कुरान की तफसीर बयान करते हैं लेकिन दीन के लिए आए हैं अपनी जात के लिए नहीं आए हैं आज बहुत सारे लोग कोई चंदा करने के लिए कोई आलिम आता है तो उसको हकारत की निगाह से देखते हैं अल्लाह के वास्ते तोबा करो नायब रसूल को हकारत से देखना आप समझिए कि आपका ईमान खतरे में है और मेरे भाइयों ये मदारिस को जो आप चंदा दे रहे हैं और मदारिस जो चल रहे हैं ये आपको ये एहसान नहीं कर रहे हैं इन्हीं मदारिस की बरकत है कि आज हमारी मस्जिदों में कुरान पढ़ाने वाले हाफिज मौजूद हैं इन्हीं मदारिस की बरकत है कि आज ये मिंबर और ये मुसल्ला जिंदा है जिस दिन ये मदारिस बंद हो जाएंगे आपको दीन की बातें बताने वाला कोई नहीं होगा बड़े बड़े ममालिक में आप गौर कीजिए बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं वहाँ कोई हाफिज़ क़ुरान नहीं है एक कारी साहब ना सामने कुरान रख करके खोल करके तो पढ़ते हैं लोग उनके पीछे क्याम करते हैं अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों इस मुल्क पर यहाँ छः छः साल के सात सात साल के बच्चे अपने सीनों में कुरान मजीद को महफूज किए हुए हैं ये मदरसों की बरकत है आप समझते हैं अगर आपके दिल में इन मदरसों से नफरत है अगर आपके दिल में इन से नफरत है तो मैं आपको ये अल्टीमेटम दे रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि आपका ईमान खतरे में है जो अपने मदरसों से नफरत करने लगे जो अपने जामियात से नफरत करने लगे जो अपने मराकिस से नफरत करने लगे उसका ईमान कब ज़ाय हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है यही ईमान के पावर हाउस है यहीं से ईमानों को जला मिलती है यही वर्मा की मेहनतों से आज हमारे तलबा आज हमारे बच्चे कुरान और हदीस पढ़ना जानते हैं वरना मेरे भाइयों हम नाम के मुसलमान रह जाएंगे हमारे पास कुछ इल्म नहीं रहेगा तो ये रमज़ान का मुकद्दस महीना या अल्लाह के रास्ते में सदक़ा ख़ैरा करने का महीना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में हमेशा करते थे लेकिन जब रमज़ान का महीना आता था आपकी सखावत और फयाजी तेज़ो तुंद हवा से भी ज़्यादा हो जाती थी आम महीनों के मुकाबले में रमज़ान में आप ज़्यादा सदका खैरा करेंगे मदारिस को देंगे मकातिब को देंगे वालमा को देंगे दुआत को देंगे मुबलिन को देंगे आइम्मा को देंगे मोहजरीन को देंगे आप रमज़ान में इनकी खिदमत करेंगे ये साल भर आपकी खिदमत करेंगे आप रमज़ान में इनकी मदद करेंगे ये साल भर दीन की खिदमत करेंगे मेरे भाइयों इनको खुशहाल कीजिए इनको खुशहाल कीजिए ताकि दीन का काम आसानी के साथ हो वैसे भी लोगों की नज़रें हमारे मराक पर आ गई हैं और बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं बहरहाल हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है वो अल्लाह जो असबाब है वो इन तमाम चीज़ों को टाल सकता है अल्लाह से दुआ कीजिए रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में हमारे मदारस और मकातिब और जामियात और मसाजिद पर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं अल्लाह तबारक तआला उन साजिशों को नाकाम कर दे मेरे भाई और रमज़ान का महीना मुकद्दस महीना जहाँ पर बहुत सारी नकियाँ की जाती हैं ये तोबा और इस्तफ़ार का महीना है अल्लाह तबार को तौल ने सुर बकर में जो रमज़ान के मसाइल बयान किए हैं उन्हीं आयतों के बीच में अल्लाह ने तोबा और इस्तफ़ार का जिक्र किया है मालूम ये हुआ कि रमज़ान का महीना ये तोहबा और इस्तफार का महीना है इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया जो रमज़ान का मुकदस महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका वो हिला हो गया रमज़ान में तोह कीजिए रमज़ान में दुआ कीजिए रमज़ान में इस्तार कीजिए रमज़ान में रोइए रमजान में गिड़ाइए अल्लाह के सामने हाथ उठाइए लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं मेरे भाइयों अल्लाह व तआला के दर में आए सजदे में जाए अपने आंखों से आंसू बहां अपने मसाइल को अल्लाह के सामने पेश करें यकीनन अल्लाह तबारक तआला मुसीबतों को दूर करने वाला यकीनन हमारी दुआओं को सुनेगा मुसीबतें और परेशानियां दूर होंगी लेकिन हम मांगना नहीं जानते हैं हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं राह दिखलाए किसे कोई रह में मंजिल ही नहीं मेरे भाइयों आप मांगना तो सीखें आप रोना तो सीखें आप अल्लाह से सवाल करना तो सीखें वो अल्लाह जो ऐलान करता है मेरे बंदो बताओ तुमको क्या चाहिए अगर तुमने गुनाह किया है मैं अल्लाह हाथ फैलाता है मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं मेरे बंदो बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम सवाल करो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं वो अल्लाह खुद ऐलान करता है मेरे भाइयों वो अल्लाह हमें नहीं देगा जरूर देगा मांगने का सलीका नहीं है हमें हमें मांगने का सलीका होना चाहिए अदब से मांगें एहतराम से मांगें इज्जत के साथ मांगें अल्लाह देगा मेरे भाइयों हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं उसके बड़प्पन का ख्याल करते हुए कितना अदब से मिलते हैं क्यों हजरत नाराज ना हो जाए वो अल्लाह वो अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है उससे हम ऐसे ही मांगेंगे हमें अदब चाहिए अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में हमें अदब चाहिए दुआ आदाब के साथ होनी चाहिए अल्लाह के नबी सल्लाम फ़रमाते हैं अल्लाह तबारक ताली इस तारीख के वक्त तो जहन्नम से बहुत सारे लोगों को आज़ाद करता है अभी तक जिन लोगों का नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में लिखा हुआ था रमज़ान का मुकदस महीना आते ही अल्लाह तबारक ताली उन लोगों का नाम जहन्नमियों की लिस्ट से निकाल कर जन्नती में दाखिल कर देता है अगर हमारा नाम भी वहाँ से निकाल कर जन्नति में दाखिल कर दिया गया तो यह हमारी खुशनसीबी है रम़ान के मुकदस में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें इफ्तार के वक्त बैठें इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलीत का वक्त है इसलिए कि यही वक्त है जब अल्लाह तबारक अपने बंदों को जहन्म से आज़ाद करता है मेरे भाइयों रमज़ान में जो बहुत सारी नकियाँ की जाती हैं और बहुत सारी नकियाँ करना चाहिए उसमें से एक ये है लोगों को इफ़ार कराना आपने रोजा रखा आपको रोजे का सवाब मिला आपने दस आदमियों को इफ्तार करा दिया मजीद दस सवाब मिल गए एक दिन में आपने ग्यारह रोजे का सवाब हासिल कर लिया एक आपका और दस जिनको आपने रोज़ा इफ्तार कराया है जिनको आपने रोजा इफ्तार कराया है उनको भी सवाब मिलेगा और वही वतन ही बराबर आपको भी सवाब मिलेगा इसलिए मेरे भाइयों हमारे मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोगों को शहरी और इफ्तार कराता है बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं मुसाफिर आते हैं सफरा आते हैं उनके लिए खाने का पीने का इंतजाम करना इसी तरीके से तरावी में लोग पानी का इंतज़ाम करते हैं अल्लाह तला सबको जदाय खैर दे अल्लाह सब की नकियों को कबूल फरमाए ये नकियाँ मामूली नहीं है किसी को एक घूंट पानी पिलाना लेकिन इस सिलसिले में मैंने पहले बताया था दर्श में हम लोग फजूल खर्ची बहुत करते हैं हम लोग नियमतों की नाकदरी करते हैं एक बॉटल जो आपके पास आपने उठाया है और ला करके रखे हैं वो खरीद कर लाया गया किसी ने भी खरीदा हो किसी ने भी पैसा खर्च किया हो हमारे लोगों की आदत यह है एक घूंट पीते हैं पानी छोड़ देते हैं आप छोड़कर चले गए वो पानी वेस्ट हो जाता है वो ख़रीदा हुआ पानी जो दस रुपये का है आपने दो रुपया पिया आठ रुपया वेस्ट हो गया नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आप जब यहाँ से जाएँ अगर आपके बॉटल में पानी है तो आप ले करके जाएँ थोड़ी देर के बाद आपको फिर प्यास लगेगी वो पानी आप फिर पी सकते हैं नेमतों की कदर कीजिए अल्लाह तबारक तआला माल में बरकत देगा आज बहुत सारे लोग नेमतों की कदर नहीं करते हैं फजूल खर्ची करते हैं हमें चाहिए कि नेमतों की कदर करें और इस रिवायत को इस सुन्नत को जिंदा करें आप शादियों में जाते हैं आप दावतों में जाते हैं पानी पीते हैं छोड़ देते हैं नई नई मेरे भाइयों वो बॉटल आप अपने साथ में लेकर के आए अगर उसमें पानी है बाद में आपके पीने का काम आएगा हम शुरू करेंगे आप शुरू करेंगे पूरी कौम शुरू करेगी करेंगे इन मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी नेकी है इसको मामूली न समझें इसी तरीके से अगर कोई शख्स रमज़ान में उम्रा करना चाहता है प्यारे नबी वसल्लम ने हज किया हज करने के बाद आपने आपने एक खातून से पूछा तुम हमारे साथ हज को क्यों नहीं गई तो कहा अल्लाह के रसूल हमारी मजबूरी थी हमारे पास ऊंट की कमी थी सवारी की कमी थी हमारे नबी ने फरमाया चलो कोई बात नहीं है रमज़ान आएगा तो रमज़ान में उम्र कर लेना रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर सवाब मिलता है एक हदीस में आपने फरमाया कि रमज़ान में उमरा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है इसलिए अल्लाह ने आपको दिया है आप रमज़ान में उमरा करें बहुत सवाब का काम है और मैं कहता हूँ कि अगर आप कर चुके हैं तो लोगों को भी कराएं करना भी सवाब है कराना और ज़्यादा सवाब है इसी तरीके से मेरे भाइयों रमज़ान की नेकियों में से एक नेकी यह है लैलतुल क़द्र जो आखिरी अशरे में आता अल्लाह ने फ़रमाया क़द्र फरमाइल नाजल्लाफ़ी लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरु मिन लतुल्क़द्र शहर एक रात की इबादत हज़ार महीने की रातों की इबादत से बेहतर है बहुत सारे मुसलमान इस रात से गाफिल है सब कीजिए आखिरी अशरे की ताक रातों में इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस और उन्तीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा पूछा गया आपसे तो कहा आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो आपको बताया गया था कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मुसलमान झगड़ा कर रहे थे आप उनका झगड़ा छुड़ाने लगे और आपके जहन से वो बात निकाल दी गई आपने फ़रमाया लैलतुल कद्र आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो मेरे भाइयों हमारी कितनी ताक़त है कोशिश करना हमारा काम है कबूल करना अल्लाह का काम है ये रमज़ान का मुकद्दस महीना बड़ा बेहतरीन महीना है एक महीने एक महीने अगर हमने मेहनत कर ली बहुत सारी नेकियां हम हासिल कर सकते हैं लैलतुल कद्र में शबददारी करना हज़ार महीने की रातों की इबादत से बेहतर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में हजरत जिब्रील के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे हजरत जिब्रील सुनते थे सुनते थे हमारे नबी सुनाते थे जिस साल आपकी वफ़ात हुई आपने उस बार कुरान मजीद को दो बार ख़त्म किया आज हमारे बहुत सारे मुसलमानों को कुरान पढ़ना नहीं आता है मैं आपसे पूछता हूं जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता वो मुसलमान कैसा है आप आपने वो हदीस सुनी है हमारे नबी ने फरमा तलाबिल्म फ़रीदत कुल मुस्लिम इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है बारहाँ आपने यह हदीस सुनी है वो कौन सा इल्म फ़र्ज़ है दूसरे में आपको अख्तियार है मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कुरान मजीद के इल्म से ज़्यादा और कोई इल्म की अहमियत है कुरने मजीद हर मुसलमान को पढ़ना जानना चाहिए हमारी मजलिस में अगर कोई शख्स बैठा हुआ है इतनी बड़ी सैकड़ों की तादाद में जो कोई शख्स या मर्द या औरत अभी कुरान पढ़ना नहीं जानते आज से शुरू करें आप आज से शुरू करें मर्द हैं तो किसी मौलवी के पास किसी हाफिज़ के पास बैठें कुरान पढ़ने की कोशिश करें खुतिन हैं तो अपने मोहल्ले में ऐसी खवतिन के पास जाएँ आपको ज़रूरत है आप उनको पैसा दें खर्चा दें कुरान पढ़ना सीखें इन शह अभी बीस दिन बाकी हैं उन्नीस दिन बाकी हैं आप रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ना सीख जाएंगे गारंटी है इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया तो कुरान मजीद पढ़ना जो नहीं जानता है वो कौन सा मुसलमान है मेरे भाइयों अगर कोई शख्स बैठा मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है ये बहाना ना बनाएं कुरान पढ़ें कुरान पढ़ने की आदत डालें सिर्फ़ रमज़ान में कुरान ना पढ़ें बल्कि रोज़ कुरान पढ़ने की आदत डालें रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस दिनों का एतकाफ़ करते थे बहुत सारे लोग फ़ैशन में एतकाफ़ करते हैं ये फ़ैशन अल्लाह को पसंद नहीं है अल्लाह के वसल्लम रमज़ान में सिर्फ़ दस दिन का एतकाफ किया दस दिन से एतकाफ कम एतकाफ करना हदीस से साबित नहीं है आम दिनों में आप कभी भी एतकाफ कर सकते हैं बहुत सारे लोग उमर है उम्र रजील्ला तुम कि इस वाक़े को लेकर के दलील बनाते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने नज़र मानी थी मेरा ये काम हो गया तो मैं एक दिन हरम में अहतक करूंगा अल्लाह के नबी ने फरमाया अपना अपनी नज़र पूरा करो वो नज़र का एहतिकाफ था रमज़ान का एतक कभी भी अल्लाह के नबी वसल्लम ने दस दिन से कम नहीं किया ये फ़ैशन छोड़ा है एक दिन का एहतिक दो दिन का एहतिकाफ तीन दिन का अहतक ये सब फ़ैशन है अल्लाह तबारक वाली को फैशन पसंद नहीं है इबादत करें सुन्नत के मुताबिक करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस दिनों का एतकाफ़ किया रमज़ान का एतक दस दिन का होता है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बीस दिन का भी एहतिकाफ़ किया एक बार आप रमज़ान में अहतकाफ़ नहीं कर सके तो आपने शवाल में इतक किया आपके साथ अजवाज मतहरात ने एतक किया तमाम इबादतों में कम्पटिशन है लेकिन एहतक में कम्पटिशन नहीं है मेरे भाइयों आज तमाम इबादतों में हम पीछे हैं हैंतकाफ़ में हम कम्पटिशन करते हैं अहतकाफ़ में कंपटीशन नहीं है जुल जान ले सुन ले तमाम इबादतों में कंपटीशन है एहतिकाफ़ में नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए देखा कि कई खेमे लगे हुए हैं अल्लाह के नबी ने पूरा फरमाया ये किसका खेमा कहा ये फ़लाँ बीवी का ये फ़लाँ बीवी का ये फ़लाँ बीवी का अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाला सब ये सब दिखावे के अहतकाफ़ हमें पसंद नहीं है अल्लाह के नबी ने खेमे उतरवा दिए कहा इस साल मैं भी अहतकाफ़ नहीं करूंगा सारी इबादतों में कंपटीशन है एतकाफ में कंपटीशन नहीं है आज बहुत सारे लोग एतकाफ में कंपटीशन करते हैं लोगों को बताने के लिए हम फला मस्जिद में इतने साल से एतकाफ करते हैं कोई फायदा नहीं है अल्लाह की रजा के लिए एतकाफ किया जाए कुछ लोग इतक़ कर लें कोई हर्ज नहीं है लेकिन इसमें कंपटीशन करना मुनासिब नहीं है वक्त हो गया बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले खुदों में होंगी या दूसरे दुरुस्म में होंगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक ननायत फ़रमाए और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा निकियाँ करने की तोफ़ी ननायत फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान बिलखैर पर हो रब्बना तो कब्बल मना इन न कांत समय वालीम वतुबलैना का अंत التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذَلَالَةٍ وكل ذَلَالَةٍ في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتايد ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه